सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर पवन अरुणीता ने कल रविवार वाले एपिसोड में धमाल मचा दिया। हर कोई अरुणीता को एक टक देखता ही रह गया। जी हाँ, जब अरुणीता फैज के साथ मंच पर गाना गाने आई तो पवन दीप भी चौंक गए। अब अरुणीता को देखे ही जा रहे थे। अरुणीता और फैज मिलकर तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है गाना गाते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर जो सुर ताल लगाए वो सभी को बहुत पसंद आया। फैज की परफॉर्मेंस वाकई धमाल मचा रही है, लोगों को खूब पसंद आ रही है। फैज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, नंबर वन पर लोग फैज को देख रहे हैं, हर कोई ने पसंद करा है। इतना ही नहीं, फैज को ही सुपरस्टार सिंगर 2 के विनर माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक फैज को टक्कर देने वाला कोई कंटेस्टेंट ही नहीं दिख रहा है। और अरुणीता जिस तरह से फैज की हर तरफ से मदद कर रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अरुणीता फैज को विनर बनाने में पूरी ताकत लगा देंगी। वहीं जब अरुणीता फैज के साथ गाना गाती हैं, तो पवन के होश उड़ जाते हैं। पवन उन्हें गौर से देखते ही रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसा लग रहा था कि अरुणीता पवन एक दूसरे से गाने के जरिए बातें करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं और पूरी पूरी बात कह जाते हैं। अरुणीता जब कहती है कि तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है, तो पवन सर हिलाकर बोलते हैं कि वाकई तुम जान ही हो मेरी, तुम क्या चीज हो, तुम्हें भी मालूम नहीं है। पवन बहुत खुश नजर आ रहे हैं और हल्के हल्के होंठों से गाते जा रहे हैं। पवन अरुणीता की तरफ खड़े होकर बार बार यही लाइन बोल रहे हैं। पवन का ये प्यार रोमांस कैमरे में कैद हो गया और अरुणीता इस वीडियो को देखकर बहुत खुश हो रही है। अरुणीता बार बार पवन का ये वीडियो देख रही है। पवन अरुणीता ने अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, पवन अरु को अब्बू मलिक ने बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया है, जिसपे पवन अरुणीता एक गाना नहीं बल्कि कई सारे गाने गाने वाले हैं। कुछ गाने सोले होंगे, कुछ दोनों की रिकॉर्डिंग होगी। पहले खबरें आ रही थी कि सिर्फ पवन दीप ही अब्बू मलिक के साथ काम करेंगे, लेकिन अब अरुणीता भी अब्बू मलिक के लिए गाना गाएंगी। दोनों ने मिलकर अब्बू मलिक का प्रोजेक्ट साइन किया है और अब देखना होगा कि कहीं इस प्रोजेक्ट से भी अरुणीता के पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। दोनों म्यूजिक वीडियो भी बना सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर अरुणीता के पेरेंट्स बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। अब कई सारे गानों की रिकॉर्डिंग होने वाली है, तो सब अलग अलग तो होंगे, स्टूडियो वर्जन तो जरूर होंगे। हो सकता है कि स्टूडियो वर्जन में भी दोनों का रोमांस दिखाया जाए, क्योंकि एक्टिंग करने से तो अरुणीता के पेरेंट्स पहले ही मना कर चुके हैं। अब क्या स्टूडियो वर्जन के लिए भी मना कर देंगे? वैसे आपको क्या लगता है, अरुणीता के पेरेंट्स को अरुणीता पवन की एक्टिंग से एतराज है, या फिर दोनों सच में अरुणीता पेरेंट्स के अफेयर को लेकर दुखी हैं? वेल, पवन अरु के फैंस आप सब दिल थाम कर बैठे, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों बाद पवन अरु धमाकेदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं। धमाकेदार इनके एक के बाद एक गाने रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिसकी वीडियो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और ये अपने गाने से धमाल मचाकर रखने वाले हैं, अपनी बुलंद आवाज और रोमांटिक एक्टिंग से आग लगाने वाले हैं। तो आप इन्हें एक साथ देखने के लिए तैयार हैं कि नहीं? कि आप भी अरुणीता के पेरेंट्स की तरह इनके लिंकअप की खबरें सुनकर परेशान हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप अरुणीता के शो सुपरस्टार सिंगर 2 को लेकर एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने फैंस को तो शॉक किया ही है, साथ ही पवन अरुणीता के रोंगटे भी खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ शो में गोविंदा और चंकी पांडे की इस हफ्ते एंट्री होने वाली है, सबके सब आज सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर धमाल मचाते दिखेंगे। गोविंदा के गानों पर सब थिरकते दिखेंगे। पवन अरुणीता भी रोमांटिक अंदाज में दिखाई देने वाले हैं, खुशी का माहौल होगा। लेकिन अचानक से सबकी हार्ट बीट तब तेज हो जाएगी जब एक बच्चा शो छोड़कर चला जाएगा। जी, अचानक से एक बच्चा सबको छोड़कर चला जाएगा तो सबकी हालत खराब होने वाली है, सब इमोशनल होने वाले हैं। जी हाँ, इसी हफ्ते एलिमिनेशन शुरू हो जाएगा। एलिमिनेशन की खबर सुनकर पवन अरुणीता बहुत डर गए हैं, क्योंकि शो से आउट होने वाला बच्चा इनकी टीम का भी हो सकता है। और पवन अरु को डर है कि अगर इनके टीम का बच्चा इतनी जल्दी आउट हो गया तो इनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि पवन अरुणीता अपने टीम के बच्चों के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इन सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि पवन अरुणीता का इन बच्चों के साथ गहरा लगाव हो गया है। इनका खाना पीना सोना सब एक साथ ही होता है, ये पूरा दिन एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। पवन इन्हें अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसे में अगर कोई फैमिली मेंबर दूर जाएगा तो बुरा तो लगेगा ही, और पवन अभी से ही डरने लगे हैं। अरुणीता भी इमोशनल हो गई हैं। वैसे आपको क्या लगता है, किसकी टीम का कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा, और आपको सबसे ज्यादा किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी? फैज और शायजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन बेस्ट है?
पवनदीप अरुणता की जोड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, लेकिन लोगों के सामने कुछ और ही दिखते हैं। दोनों अपने करियर पर पूरा फोकस दे रहे हैं और इसीलिए इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। पवन अरुण ने कई गाने एक साथ बनाए हैं, जिसके बाद लोगों ने इन्हें कपल की तरह देखना शुरू कर दिया था। अभी भी सब कंटेस्टेंट अपने अपने में बिजी हैं, लेकिन पवन अरुण एक दूसरे के साथ ही बिजी रहते हैं। सुपरस्टार सिंगर 2 के मेकर्स शो की टीआरपी के लिए इन्हें एक साथ दिखाने का कोई मौका खाली नहीं जाने देते हैं। फिर से सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से एक वीडियो सामने आई है, जिसने फैंस को खुश कर दिया। कल रात सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर फैंस की रोमांटिक परफॉर्मेंस होने वाली है। परफॉर्मेंस फैंस देंगे, लेकिन की परफॉर्मेंस पर पवन अरुणता को जोड़ा जाएगा, क्योंकि फैज जो गाना गाने वाले हैं वो अरुणिता ने सेलेक्ट किया और पवन ने उनकी मदद की है। पवन और अरुणिता दोनों अपने दिल की बात फैज के गाने में कहते दिखेंगे। पवन अपनी टीम के कंटेस्टेंट को छोड़कर अरुणिता के टीम के फैज को मंच पर लेकर आते। एक तरह से फैज की आवाज में गाया गया ये गाना पवन अरुणता के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। फैज ने बातें ये कभी ना तू भूलना गाना गाया। पवन इस गाने के जरिए अरुणिता से कहना चाहते हैं कि उनके साथ बिताए पलों को और बातों को कभी ना भूलना। सैटरडे की रात यानी कल सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर रोमांस की बारिश होने वाली है। पवन कूल अंदाज में फैज के साथ एंट्री करते दिखते हैं और फैज पवन की तरह गिटार टांगते हुए कुर्सी पर बैठकर चॉकलेट बॉय की तरह गाना गाते दिखेंगे। सारे जजेस को फैज का गाना बहुत पसंद आता है और वो सब खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाते हैं। फैज इस गाने को बहुत ही खूबसूरती से गाते हैं। तो आपको फैज की परफॉर्मेंस कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुण के सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से एक के बाद एक बिंदास वीडियो और फोटो सामने आ रही हैं, जिसने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी हां, एक बार फिर पवन अरुणता को कुछ इस अंदाज में देखा गया कि आप इनकी तारीफ किए बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुपरस्टार सिंगर 2 टीआरपी के लिए लगातार कुछ ऐसी ऐसी कहानियां ला रहा है जो फैंस का ध्यान खींच रहे हैं। जी हाँ, पवन अरुण की जोड़ी के लिए एक बार फिर वो गाना गाया गया जिसने उनके परिवार में हलचल मचा दी है। जी हाँ, पवन अरुण दोनों मंच पर खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। पवन अरुण को एक साथ गाना गाते देख सभी हुटिंग करने लगते हैं, लेकिन इनके परिवार में कुछ हलचल हो जाती है, इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये गाना ऐसे गाते हैं जैसे सच में गाने की एक्टिंग पवन अरुण ने ही की है। इनके अलावा इनकी टीम के कंटेस्टेंट भी एक से एक बिंदास परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पवन की कंटेस्टेंट शायशा इस वक्त खूब सुर्खियों में। नन्ही शायशा ने पवन के साथ मिलकर एक मैं एक तू गाना गाया। पवन और शायशा को एक साथ देकर अरुणिता कैसे शांत बैठ सकती, वो भी सीट पर खड़ी हो जाती है और वहीं नाचना शुरू कर देती है। अरुणिता बाहें फैलाती हुई मस्त होकर नाचने में लगी और पवन को देखे ही जा रही है। पवन के गाने में खोई हुई है, ऐसा लग रहा है कि पवन के साथ अरुणिता भी गाना चाहती है, नाचना चाहती है और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहती है। पहले आपको इनकी जोड़ी कितनी पसंद है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।